कंगना रनौत ने की है कृति सानन की तारीफ और किस वजह से की है, चलिए जान लेते हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। कंगना रनौत खुद अभी जो है इंडिया में मौजूद नहीं है, लेकिन इंडिया में फिल्मों के चलते या फिर जो भी पॉलिटिक्स होता है उस पर अच्छे से नजर रखती हैं। ऐसे में अभी मिमी का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसमें कृति सानन और पंकज त्रिपाठी लीड रोल्स में नजर आ रहे हैं। कृति सानन इज सीन एज अ प्रेग्नेंट वुमन इन दिस कंप्लीट फिल्म, और जो ट्रेलर था वो काफी अच्छा था, जिसका मैंने आपको रिव्यू भी दिया है। आप हमारे पुराने वीडियोस में चेक कर सकते हैं वो रिव्यू, बिकॉज इट वाज वन हेल ऑफ अ मूवी, वन हेल ऑफ अ ट्रेलर, विच वाज रियली नाइस। हालांकि थोड़ा प्रिडिक्टेबल था, दैट वाज द ओनली फ्लॉ इन दैट ट्रेलर, लेकिन काफी मजा आया उस ट्रेलर को देख के, जिसके बाद मिमी में कृति सानन की हो रही है लगातार सभी जगह तारीफ। ऐसे में कंगना रनौत ने भी खुद को जो है रोका नहीं है बिल्कुल भी कृति सानन की तारीफ करने से, और यहाँ पर उनकी तारीफ करते हुए उनके लेटेस्ट लुक की भी तारीफ की है, तो वहीं उनकी ट्रेलर मीमी की भी तारीफ की है और विश किया है कि उनकी ट्रेलर के साथ साथ मूवी भी काफी सुपर डुपर हिट हो। हम आपको बता दें कि कृति सानन अभी कल एक लुक शेयर करती हुई नजर आई थी हम सभी के साथ, जिसमें वो बीच कलर की इस ड्रेस में लग रही थी काफी खूबसूरत। दिस ड्रेस वॉज अ क्वाइट अ डिफरेंट वन एंड कृति वॉज लुकिंग क्वाइट असेंशियल इन दिस कम्प्लीट ड्रेस। उनके हेयर लुक हो या फिर उनका मेकअप हो या उनकी ये ड्रेस हो, सब कुछ ऑन पॉइंट था, जिसकी वजह से ये लुक काफी ज्यादा पसंद किया गया था सोशल मीडिया पर। और कंगना रनौत को भी पसंद आया है ये लुक, जिसमें उन्होंने कृति की तारीफ की है, व्हाट अमेजिंग लुक कहते हुए उन्होंने मीमी की ट्रेलर की तारीफ करते हुए उन्हें गुड विशेस भेजी हैं फॉर द मूवी मीवी। बता दें आपको कि मीमी जो है काफी अलग सी कहानी होने वाली है, कृति सानन का काफी अलग सा इसमें किरदार होने वाला है, सो वी आर रियली रूटिंग फॉर दिस मूवी एज वेल एज वी आर रियली अप्रिशिएटिंग कंगना फॉर अप्रिशिएटिंग हर को एक्टर्स एंड ऑल्सो गिविंग कृति सम क्रेडिट फॉर द मूवी। क्या कहना चाहेंगे आप लोग पूरी खबर के बारे में, लिखिएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी खबरें हैं लगातार इसी तरीके से आप तक पहुंचाते रहेंगे।